नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तबादले को लेकर कांग्रेस के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि तबादला उद्योग तो कांग्रेस के समय चलता था, हमने एक निश्चित समय के लिए बैन हटाया है, तबादलों के लिए गाइडलाइन बनाई गई है। मध्य प्रदेश में तबादले को लेकर कांग्रेस के सवाल पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में 12 महीने तबादले होते थे, भाजपा की सरकार में तबादले के लिए नीति बनाई गई है, हमने एक निश्चित समय के लिए बैन हटाया है और गाइडलाइन अनुसार ही तबादले किए जाएंगे, जो आवश्यक होंगे उनके ही ट्रांसफर किए जाएंगे। कांग्रेस के पास कुछ बोलने के लिए मुद्दे नहीं है और तबादला उद्योग तो कांग्रेस की सरकार में चलता था 12 महीने, हम लोगों ने तो एक निश्चित समय तय किया है, उसकी भी गाइडलाइन बनाई है और इसलिए जो बहुत आवश्यक ट्रांसफ़र होंगे वो ही ट्रांसफ़र होंगे। हमारे यहाँ कोई ट्रांसफ़र उद्योग भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता, ये कांग्रेस की संस्कृति है, 125 साल में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से ट्रांसफर हुए हैं और इसलिए ये आरोप उचित नहीं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।